अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा मालूमती वीडियो के बारे में कि आप किस तरह से जो है वो एक पाकिस्तान फाउंडेशन के नाम से अदारा है जहाँ से आप जो है वो कर्ज़ आसानी से हासिल कर सकते हैं, और ये कर्ज़ जो है वो किन शराइत पे आपको मिल सकता है, और ये सूद के बग़ैर आपको मिलेगा, और कौन कौन से लोग जो हैं इस जो है कर्ज़ को हासिल कर सकते हैं, और इसके लिए अप्लाई करने का तरीका कार हम मुकम्मल इस वीडियो में देखेंगे। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं कि 15 लाख तक का कर्ज़ जो है वो आप हासिल कर सकते हैं आगाही पाकिस्तान फाउंडेशन से। इस तमाम की जो है वो इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में तफसील से जो है वो मिल जाएगी, और आपने जो है कमेंट्स बॉक्स में अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो आपने लाजमी से जो है वो शेयर कर देनी है। तो जी, वीडियो आगे बढ़ने से पहले हम इस कर्ज़ की तफसील देख लेते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आगाही पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट है। आगाही पाकिस्तान एक नॉन बैंक माइक्रो फाइनेंस अदारा है। वन बाय वन तमाम कर्ज़ों की तफसील चेक कर लेते हैं। पहली कैटेगरी है जनरल बिजनेस लोन। जनरल बिजनेस लोन जो है वो आप आसानी से हासिल कर सकते हैं, आसान और सादा शराइत होंगी। मसावी यानी बराबर एक साथ के साथ कर्ज़ की वापसी करनी होगी। एक अकेला शख्स भी ये कर्ज़ ले सकता है। इसके अलावा आप एक से ज़्यादा अफराद मिलकर भी ये कर्ज़ ले सकते हैं। अब मैं आपको बताती चलूँ कि इसके जो है कर्ज़ लेने के लिए जो शराइत हैं वो भी मैं आपको बता दूँगी। और कोई, आपको पता है कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा होती जा रही है, और इसके साथ साथ एक बंदे का जो है वो इस महंगाई में सर्वाइव करना और अफोर्ड करना इस महंगाई को बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया है। तो जो लोग अपना ख़ुद का कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको कर्ज़ हासिल करना है, उनको कर्ज़ नहीं मिल रहा, तो वो इस तरह से जो है वो अपना ये लोन ले सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही आसान और सादा शराइत होंगी, और आपने जो है वो बराबर एक साथ के साथ कर्ज की जो है वो वापसी करनी है। इसके अलावा जो है आप एक से ज़्यादा जो अफराद मिलकर भी जो है ये ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपकी पार्टनरशिप है, आप बिजनेस चला रहे हैं, तो उसके लिए आप ले सकते हैं। कर्ज वापसी की जो मुद्दत है वो 12 माह होगी। कर्ज लेने पर आपको लाइफ इंश्योरेंस भी दी जाएगी। प्रोसेसिंग टाइम जो है इसका 5 से 7 दिन होगा। आपकी उम्र कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल तक होनी चाहिए। यानी कि अगर आप जो हैं आपका आईडी कार्ड बना हुआ है, आपके जो है वो आइडेंटिटी कार्ड पर आपकी एक सिम भी चल रही है, तो आप इसको आसानी से ले सकते हैं। कर्ज़ लेने वाला जो है वो इलाके का मुस्तकिल रहायशी होना चाहिए, मतलब वहाँ पर परमानेंट रहता हो। अगर आप ग्रुप की शक्ल में कर्ज़ लेंगे तो ग्रुप मेम्बरान का जो कौमी शनाख्ती कार्ड है उसकी कॉपी लाजमी होनी चाहिए। आपके पास 2 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर होनी चाहिए। आपके पास 2 अदद जो है वो जामिन चेक होने चाहिए। कर्ज़ लेने वाले का घर ज़ाती होना चाहिए। समाजी ज़मानत देनी होगी। अब हम देख लेते हैं दूसरी कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है एग्रीकल्चरल लोन। एग्रीकल्चर लोन आप कम से कम 15,000 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 5 लाख रुपए तक ले सकते हैं। टारगेट इलाके का मुस्तकिल जो है वो रिहायशी होना चाहिए। आपके पास कम से कम 5 एकड़ तक ज़मीन की मलकियत होनी चाहिए। आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। आपके पास 2 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर होनी चाहिए। इसके अलावा जो है वो आपके पास 2 अदद जामन चेक होनी चाहिए। ज़मीन की मलकियत या लीज़ का सबूत होना चाहिए। समाजी ज़मानत देनी होगी। एग्रीमेंट का स्टाम्प पेपर भी देना होगा। अब हम देख लेते हैं तीसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी है लाइव स्टॉक लोन। लाइव स्टॉक लोन आप कम से कम 20,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख रुपए तक ले सकते हैं। आसान और सादा शराइत होंगी। बराबर किस्तों के साथ कर्ज़ की वापसी जो है वो आपने करनी है। लाइव स्टॉक लोन अकेला फ़र्द भी ले सकता है। इसके अलावा आप एक से ज़्यादा अफराद मिलकर ग्रुप की शक्ल में भी कर्ज़ा ले सकते हैं। कर्ज़ वापसी की मुद्दत कम से कम 12 माह और ज़्यादा से ज़्यादा 24 माह तक होगी। आपकी दरख्वास्त 5 से 7 दिन में मंजूर हो जाएगी। कर्ज़ लेने पर आपको लाइव स्टॉक इंश्योरेंस और लाइव इंश्योरेंस भी मिलेगी। कर्ज़ लेने वाले की उम्र कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल तक होनी चाहिए। कर्ज़ लेने वाला इलाके का मुस्तकिल रहायशी होना चाहिए, जैसे कि पिछली कैटेगरी में भी मैंने आपको बताया है। अगर आप ग्रुप की शक्ल में कर्ज़ लेंगे तो ग्रुप मेम्बरान 3 से 10 तक होने चाहिए। आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। आपके पास 2 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर होनी चाहिए। आपके पास 2 अदद जामिन चेक होने चाहिए। कर्ज़ लेने वाला ज़ाती घर का मालिक होना चाहिए। समाजी ज़मानत देनी होगी और एग्रीमेंट का स्टाम्प पेपर भी देना होगा। अब हम देख लेते हैं चौथी कैटेगरी। चौथी कैटेगरी है माइक्रो इंटरप्राइज लोन। माइक्रो इंटरप्राइज लोन आप कम से कम 70,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख रुपये तक ले सकते हैं। आसान और सादा शराइत होंगी। मुसावी यानी के बराबर एक साथ के साथ कर्ज़ की वापसी करनी होगी।
माइक्रो एंटरप्राइज लोन अकेला फ़र्द भी ले सकता है। इसके अलावा आप एक से ज़्यादा अफराद मिलकर ग्रुप की शक्ल में कर्ज़ ले सकते हैं। कर्ज़ वापस की मुदत जो है वो कम से कम 12 माह और ज़्यादा से ज़्यादा 24 माह तक होगी। कर्ज़ लेने पर आपको लाइफ इंश्योरेंस भी दी जाएगी और आपकी दरख्वास्त ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 दिन में मंजूर हो जाएगी। कर्ज़ लेने वाले की उम्र कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल तक होनी चाहिए। कर्ज़ लेने वाला इलाके का मुस्तकिल रहायशी होना चाहिए। अगर आप ग्रुप की शक्ल में कर्ज़ लेना चाहते हैं तो मेंबरान 3 से 5 तक होने चाहिए। इंटरप्राइज लोन के लिए ज़रूरी कागजात देखते हैं। आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए और आपके पास 2 अदद पासपोर्ट जो है वो साइज़ पिक्चर्स होनी चाहिए। कर्ज़ लेने वाला इलाके का मुस्तकिल रहायशी होना चाहिए। अगर आप ग्रुप की शक्ल में कर्ज़ लेना चाहते हैं तो ग्रुप मेंबरान 3 से 15 तक होने चाहिए। अच्छा, हम बात कर लेते हैं कि आपके पास शनाख्ती कार्ड जो है उसकी कॉपी भी लाजमी होनी चाहिए और इसके साथ साथ एज़ यूजुअल जो है वो पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए और 2 अदद ज़मानती चेक होने चाहिए। मुस्तकिल रहाइश का सबूत देना होगा। समाजी ज़मानत देनी होगी। इकरारनामा यानी एग्रीमेंट का स्टाम्प पेपर देना होगा। 6ठी कैटेगरी चेक कर लेते हैं। 6ठी कैटेगरी है ऑटो लोन। कर्ज़ ब्राय ऑटो रिक्शा या सहूलत मुसाफिर रिक्शा और कार्गो रिक्शा दोनों के लिए मुयस्सर है। ऑटो लोन आप कम से कम जो है वो 40,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख तक ले सकते हैं। ऑटो लोन लेने के लिए जो है आपको जितनी डाउन पेमेंट जो है वो सबसे पहले अदा करना होगी। अगर आप 3 लाख ऑटो लोन लेना चाहते हैं तो उसकी डाउन पेमेंट यानी कि 75,000 जो है वो आप खुद अदा करेंगे। बाकी रकम आपको कर्ज़ के तौर पर मिलेगी। आसान और सादा शराइत पर आपको ये कर्ज़ा मिलेगा। कर्ज़ की जो वापसी है वो आपने महाना किस्त में जो है वो वापस करनी है। ये कर्ज़ अकेले शख्स को मिलेगा। एक से ज़्यादा अफराद मिलकर ये कर्ज़ नहीं ले सकते। कर्ज़ा वापसी की मुदत कम से कम 12 माह और ज़्यादा से ज़्यादा 24 माह तक होगी। आपकी दरख्वास्त 7 से 10 दिन में मंजूर हो जाएगी और ऑटो लोन लेने पर आपको लाइफ इंश्योरेंस भी दी जाएगी। कर्ज़ लेने वाले की उम्र कम से कम जो है वो 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल तक होनी चाहिए। कर्ज़ लेने वाले इलाके का मुस्तकिल रहायशी हो। ऑटो लोन लेने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आपके पास अपना आईडी कार्ड होना चाहिए। घर की मलकियत का सबूत देना होगा। आमदनी का सबूत देना होगा। इसके अलावा समाजी ज़मानत भी देनी होगी। 2 अदद ज़मानती चेक देने होंगे। इकरारनामा यानी एग्रीमेंट का स्टाम्प पेपर भी देना होगा। इसके अलावा आपके पास 2 अदद पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स होने चाहिए। कर्ज़ की मुकम्मल अदायगी तक रिक्शा की रजिस्ट्रेशन आगाही पाकिस्तान के नाम पर होगी। 7वीं कैटेगरी है एजुकेशन फाइनेंस एजुकेशन लोन। आप कम से कम जो है वो 50,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख तक ले सकते हैं। आसान और सादा रायत पर आपको कर्ज़ मिलेगा और कर्ज़ की वापसी बराबर महाना 1 साथ में अदा करना होगी। ये कर्ज़ अकेले शख्स को दिया जाएगा यानी कर्ज़ एक से ज़्यादा अफराद मिलकर नहीं ले सकते। कर्ज़ वापसी की मुदत कम से कम 12 माह और ज़्यादा से ज़्यादा 24 माह तक होगी। दोस्तों, अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में साथ ही आप जो है वो सवाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कर्ज़ जो है इसकी वापसी की मुदत कितनी होगी। तो कर्ज़ वापसी की मुदत कम से कम 12 माह और ज़्यादा से ज़्यादा 24 माह तक होगी। कर्ज़ के लिए आपकी दरख्वास्त 7 से 10 दिन में मंजूर हो जाएगी। कर्ज़ लेने पर आपको लाइफ इंश्योरेंस भी दी जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुड पॉइंट है। कर्ज़ लेने वाले की उम्र जो है वो 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 60 साल तक होनी चाहिए। ये जो है एजुकेशन फाइनेंस लोन आपको सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने जो है वो अपना स्कूल जिन्होंने लेना है या कर्ज़ लेने वाले का तजुर्बा जो है वो कम से कम 2 साल होना चाहिए। हाज़िरी का इंतजाज या बच्चों की कम से कम तादाद जो है वो 150 होनी चाहिए। आपका स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। घर की मलकियत का सबूत देना होगा और आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी होना लाजमी है। महाना आमदनी का भी आपने जो है वो सबूत देना है। आपके पास 2 अदद पासपोर्ट साइज़ और पिक्चर्स होने चाहिए। इसके अलावा समाजी ज़मानत भी देनी है और 2 अदद ज़मानती चेक आपको देनी है। एग्रीमेंट का स्टाम्प पेपर भी देना होगा और फाउंडेशन को ये भी बताना होगा कि आप जो काम करवाना चाहते हैं उस पर कितनी जो है वो लागत आएगी। 8वीं और आखिरी कैटेगरी चेक कर लेते हैं, जो कि है हाउस लोन। हाउस लोन आप कम से कम 5 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 35 लाख तक हासिल कर सकते हैं। आसान और सादा शराइत पर आपको ये कर्ज़ा मिलेगा। कर्ज़ की वापसी बराबर महाना 1 साथ में करनी होगी। ये कर्ज़ अकेले शख्स को दिया जाएगा और कर्ज़ वापसी की मुदत कम से कम 12 माह और ज़्यादा से ज़्यादा 60 माह यानी कि 5 साल तक होगी। हाउस लोन के लिए आपकी दरख्वास्त 5 से 10 दिन में मंजूर हो जाएगी। हाउस लोन लेने पर आपको लाइफ इंश्योरेंस भी दी जाएगी। कर्ज़ लेने वाले की उम्र कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 60 साल तक होनी चाहिए। कर्ज़ लेने वाला इलाके का मुस्तकिल रहायशी होना चाहिए और आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी जो है वो लाजमी होनी चाहिए।
अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो दोस्तों आगाही पाकिस्तान फाउंडेशन के ऑफिस से दरख्वास्त फॉर्म हासिल कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर आगाही पाकिस्तान फाउंडेशन का एड्रेस और मोबाइल नंबर देख सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आगाही पाकिस्तान की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें। इसके अलावा आप इनकी वेबसाइट से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगाही पाकिस्तान पहली फाउंडेशन है जिसकी मोबाइल एप्लीकेशन से आप कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।